ये देखो यार, हाँ, ये है प्रोसेस और ये है माहौल। स्ट्रीट वॉज ओनली पारसीज एंड क्रिश्चियंस इन दोज डेज। ये हमारा वॉल ऑफ फेम है। वॉल ऑफ फेम का मेन्यू कार्ड यहाँ पर है और आप देख सकते हो यहाँ पे अनाज लिखा हुआ है। देखो चार आना, दो आना, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा एंड ऑल दीज गाइज वर स्टडिंग हुए नसरुद्दीन शाह, दीज गाइज यूज़ टू कम हियर रेगुलरली टू हैव लंच। यू नो मटन आम आदमी खाते थे। अच्छा। और चिकन खाली जो पैसे वाले होते थे, मींस इट वाज अप मार्केट जो होता है वो चिकन खाते थे। अभी उल्टा अभी उल्टा हो गया, अभी मटन का प्राइस क्या है, चिकन का क्या है, और हम खाली लेग पीस ही वापरते हैं, तो ये अभी सब वजन पे डाल रहे हैं। अरे वाह। तो ये है फ्रेश रान, देखो हाँ। पूरा ये जो ये है हमारे होटल का स्टार है, क्योंकि इसके मटन के ऊपर ही हमारा पूरा चलने वाला है। ये तो रानी मुखर्जी आई थी, रानी मुखर्जी। द कपूर फैमिली हैज बीन वेरी रेगुलर विद अस। इफ यू वांट एंटरटेनमेंट यू हैव टू कम टू दोराबजी। ये पूरा खोल दिया इन्होंने और एक्चुअली बटर से फ्लेवर आता है। My father's favorite place to come and eat whenever he's in Pune, one trip to Dorabji is for beja cutlet, he has to come. Yeah, his beja cutlets have come out. Yeah, I'm taking this for him. Yeah. See, now the fish ready ho gayi, wo steam ho gayi ho. I am coming from 10 kilometers. I am 82 years old. I don't know. Every time I renew my license, I say this is the last time I'm renewing. I don't think I'll renew it again. हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं फिर से हूँ पुणे में। और पुणे में मैं आज जिस जगह आया हूँ ना, ये 150 साल पुराना कैफे है, पता है, पारसी कैफे है, 150 साल पुराना, दोराबजी एंड सन्स। ज्यादा चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, अंदर चलते हैं क्योंकि मेकिंग स्टार्ट हो गई है, मैं नहीं चाहता कुछ मिस हो जाए, तो हम अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। आइए। हेलो सर। हाय आशीष, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, ऑल गुड। बहुत बढ़िया, क्या बात है। पुणे पुणे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम लोग हैं दोराबजी एंड सन्स। ये मैंने सुना है 150 साल पुराना कैफे। 148 या मैं चौथी पीढ़ी है और हमारा स्टाफ भी बहुत बहुत जुना है। लाइक ये किशन जो है, ही स्टार्टेड व्हेन ये आई थिंक 16 का 17 साल जो होता कितनी वही कितनी होती 17 साल से 17 साल का उसकी उम्र थी तब से ज्वाइन किया है। अभी उसकी उम्र अबाउट 70 तक रहेगी। जूना बोलते हैं पुराना 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 मजा आएगा आज। हम अभी भी पूरा कोलसे के ऊपर सब बनाते हैं, पूरा पूरा खाना कोलसे पे बनता है। और मैंने सुना था यहाँ पे ट्रेडिशनल मेकिंग होती है जैसा 150 साल पहले होता था, वैसा सेम हमारे पूरे रेसिपीज अभी भी सेम ही है। एंड वन मेंबर ऑफ द फैमिली हमेशा किचन के अंदर रहता है। अच्छा। तो मसाला इज एडेड बाय वन मेंबर ऑफ द फैमिली। नो देयर सीक्रेट कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज ओपन। सर हमने आपका नाम नहीं पूछा, ना आपका नाम। माय नेम दरायस मरजवान दोराबजी। ओके। और दोस्तों ये भीखा जी है। भीखा जी? हाँ जी। अच्छा, भीखा जी काम ले। भीखा जी काम ले। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ पे क्या क्या डिशेस बनती है जो बहुत फेमस है, लोग जिसको खाने आते हैं? हमारा पूरा पारसी क्यूजीन है। okay. उसके अंदर धान साग सबसे फेमस है, मटन धान साग, चिकन धान साग। तो धान साग क्या होता है? धान साग यानी दालचा जो होता है, नहीं अभी अब मैं दिखाता हूँ। ये सब दाल। okay. सब दाल वेजिटेबल सब इसके अंदर साथ में पकते हैं। तो ये मिक्स दाल है? ये सब मिक्स दाल, ऑल द वेजिटेबल्स है। उसके अंदर चुका है, कोथमीर है, पुदीना है, बैंगन है, और उसका एक प्रोसेस बनाते हैं। तो ये अभी सिगड़ी पे अभी चढ़ा दिया है क्योंकि 150 पुराना है, 148 years old है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी यहाँ पे जो तब से भी यूज हो रही होंगी, तब से। हाँ जी, तब से बहुत बहुत चीजें हैं। यानी ये सिगड़िया भी जो है उसकी मरम्मत कर करके हम चालू कर रहे थे बस यार। अच्छा, ये है उसी टाइम की? सब उसी टाइम है ना, क्योंकि मुझे अलग दिख रहा है, ऐसी बनती नहीं है, सब अलग है। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये दो पार्ट में बनी हुई है ना। तो ये दो पार्ट क्यों है? क्योंकि ये जो ऊपर का पार्ट है वो जल जाता है तो वो निकाल देते, दूसरा नवा पार्ट डाल देते, तो द वेयर एंड टेयर इज इजी, तो वो चेंज होता रहता है। ये हमारे सप्लायर है, ये शकील भाई है। हेलो सर। ये हमारी वेजिटेबल लेके आते हैं पूरे सब, डैडी के टाइम से अभी सप्लाई कर रहा है, अभी तक कर रहा है। तो बहुत बढ़िया। और ये हमारा मेन आदमी आ गया अभी, मटन वाला। ओह समीर, मटन वाला सबसे ज्यादा सताता है मुझे। अच्छा। रोज मुझे इसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है पहले। अरे वाह। हाँ। तो आप लाए हो आज? एंड हिज ग्रैंडफादर हैज सर्व्ड माय ग्रैंडफादर। ओह, 3 जनरेशन दे सर्विंग। सो देखो ये मटन आया है, और मटन कितना है सर? ये अभी कितना लाया है अंदाजा? 75 किलो। अभी यहाँ वजन होएगा ये? अच्छा, वजन होएगा। वजन होएगा, फिर वो सेपरेट करके वो काट के देगा मेरे को। बहुत बढ़िया।
और क्या मटन ऐसी चीज है कि फ्रेश रहे तो ही टेस्ट आए, बिल्कुल सही बात, नहीं तो उसका यही नहीं। तो और हमारे जो क्लाइंटल भी है इट इज ऑन ट्रस्ट, हुआ थे पूरा फैक्टर इज ऑन ट्रस्ट, तो वी हैव क्लाइंट टू कम फ्रॉम ऑलमोस्ट, आप जिधर चाहिए वाड़ी से वहाँ से हमारे क्लाइंट आते हैं, दे ट्रैवल फॉर 45 मिनट्स इन टाउन, 45 टू 50 मिनट्स ट्रैवल करके इधर खाने को आते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये ऑफ कोर्स क्वालिटी मेंटेन होगा तभी ये ट्रस्ट आता है, राइट। और हम खाली लेग पीस ही वापरते हैं, सिर्फ लेग पीस, खाली लेग पीस ही वापरते, वो महंगा गिरता है हमको लेकिन हम तो भी वापरते क्योंकि उसके अंदर मटन ज्यादा मिलता है, अच्छा, और फ्लेवर भी अच्छा होता है। दिखाइए सर। हाँ जी, आ जाओ। तो दोस्तों देखो ये लोग सिर्फ लेग लेते, यानी रान लेते, रान लेते हैं, है ना, क्या बात है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने देखा है कि महाराष्ट्र में शीप ज्यादा चलती है, तो ये अभी सब वजन पे डाल रहे हैं। अरे वाह, तो ये है फ्रेश रान, देखो हाँ। पूरा ये जो ये है हमारे होटल का स्टार है क्योंकि इसके मटन के ऊपर ही हमारा पूरा चलने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही है, क्या बात है यार। ये देखो ये है माहौल जो है बिल्कुल पुणे का, और मैंने पहली बार सर पुणे में देखा अभी कि कोई कैफे रेस्टोरेंट कम कैफे कि मटन में इतने अच्छे से डील करता हो। तो ये यहाँ तोलते हो आप हमेशा? ये तोल के इधर काटेगा अभी, ये उसके काटने की जगह है। अच्छा, काटेंगे भी यहाँ पे? रीजन आई टेल यू व्हाट, मिक्सिंग नहीं होता है, इवन फॉर्म होता है और क्वालिटी मेंटेन होता है। वाओ, इसके लिए भी आपके पास में ऐसे लोग होने चाहिए जो ऐसा करके, पर वो भी दुकान है उसका, ये इधर का काम करके उसकी दुकान खुलेगा। अरे, पर ये सर्विस खाली रिलेशनशिप के ऊपर मिलती है, बिल्कुल सही है, बाकी नहीं मिलता है। वो जनरेशन टू जनरेशन वाली बात है, राइट। और सॉल्ट है, और सॉल्ट है, सॉल्ट। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ये वेट हो रहा है, तोल रहे है इसको, और ये कितना हो गया सर? ये 40 वजन देगा क्या? 200 ग्राम भी नहीं छोड़ता है वो। अच्छा, तो 240 क्लोज, और ये देख सकते हो यहाँ पे कितने रान आ गए इसमें, 25 रान, क्या बात है। और अभी तो यहाँ पर भी पड़ा है, मजा आ गया सर, सीरियसली बहुत बढ़िया। ये नमक नहीं डालना मैं कभी भी, ये दूध भी आ गया। हाँ जी, ही इज ऑल्सो सप्लाइंग फ्रॉम माई डैड्स टाइम। मतलब कोई भी 25-30 साल से काम ही नहीं कर रहा आपके साथ। क्या है? कीमा, प्योर कीमा, कीमा। अरे वाह, तो कीमा अपन कीमा भी बनाएंगे। अरे वाह, नाश्ते के अंदर कीमा होता है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा मटन आया था ना उसकी कटिंग भी यही हो रही है, कैफे में या किसी रेस्टोरेंट में खुद का है ना मीट लेकर के फिर खुद ही वहाँ पर कटवा करके यूज किया जाए, इससे अच्छी क्वालिटी का आप क्या मानोगे? दिस इज द बेस्ट वी कैन डू, दिस इज द बेस्ट, राइट। अभी हम सबसे पहले क्या प्रोसेस करने वाले? अभी मेरा काम चालू होता है एडिंग द मसाला। अच्छा, एक बार मैंने मसाला ऐड कर दिया फिर किशन और भिकाजी उसको चढ़ा देंगे ऊपर। अच्छा, तो क्या क्या मसाले? अभी ये ग्रेवी के मसाले, इधर में सूखा मसाला निकालेगा, फिर बिरयानी के मसाले देगा और दूसरा दाल का मसाला कर देगा। ये अभी हल्दी पाउडर है, okay. ये गरम मसाला पाउडर है, हाँ. ये मिर्ची पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, मिर्ची का पेस्ट है, ये जीरा है, okay. और ये बिरयानी का मसाला है, ये गरम मसाला, का मसाला हाँ है। जी, ये व्हाइट कलर का गरम मसाला। हाँ जी, क्योंकि हम ज्यादा टिकट नहीं है हमारा खाना। तो पारसी लोग एक्चुअली कैसा खाना पसंद करते हैं बताइए? लेस ऑयल और लेस मसाला, okay. यानी जो अभी मीट का बनाते हैं तो मीट का फ्लेवर पहले आना चाहिए, मसाले का नहीं आना चाहिए। द प्रोडक्ट हैज टू बी कि आपने जो बनाया है उसका ही फ्लेवर निकलना। तो दोस्तों ये है देखो, बहुत ही सही, बहुत ही रॉ प्रोसेस आज आपको दिखाएंगे हम लोग, हाँ जिसमें पूरा जो है ना पारसी खाना होगा, और भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी जो मेकिंग होती है वो किस तरह से होती है। तो ये हल्दी पाउडर है और ये मटन में सब में ये हल्दी डाल रहे हैं, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ इसी तरह से होता है। तो अभी अपन कितना बना रहे हैं? अभी ये 3-3 किलो की बिरयानी है, 3 किलो 3 किलो 3 किलो 3 किलो ऐसा। ये जो देग यहाँ पे जो एक एक 3-3 किलो के एक एक देग चढ़ाते जाते हैं। ओके, ये है बिरयानी। और जैसे खलास हो गया तो दूसरे चढ़ा देंगे वो। ओके, और इसके टाइमिंग क्या रहते हैं? वी ओपन एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, 10 बजे, और 7 बजे तक चालू रहता है। ओके, और इस बीच खत्म होगा तो दोबारा बन जाता है। तो दोस्तों देखो ये अभी गरम मसाला है, गरम मसाला, ये चिकन में डल गया, ये डल गया एक मटन में और ये दूसरा मटन में, और ये वेज के अंदर। ओके, अभी हल्दी का काम तो पूरा हो गया, सब में डाल दिया, अभी मिर्ची का काम चालू हो जाता है। ये मिर्ची कौन सा यूज करते हैं? ये भेड़ की मिर्ची। भेड़ की? भेड़ की, भेड़, भेड़ की। तो भेड़ की मिर्ची क्या होता है? टेस्टी होती है। टिकी होती है कि नहीं? ज्यादा टिकी नहीं होती। अच्छा, ज्यादा टिकी नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअली पारसी खाना टिका होता ही नहीं है ज्यादा। तो ये मिर्ची भी अभी डाल दिया सारी सब में एक एक करके। अभी हरी मिर्ची, ये हरी मिर्ची का पेस्ट, ये दरदरा कूटा हुआ है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, तो उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है ना। तो सर एक चीज हो रहा, हाँ जी, आपको कुकिंग किसने सिखाया? डैडी ने, पर मैं केटरिंग कॉलेज किया है। ओके, आई डन माय केटरिंग कॉलेज डिग्री, पर ये जो पूरा काम मैं कर रहा हूँ वो डिग्री का नहीं है। अच्छा, ये तो हमारे जो
दादा परदादा ने जो चालू किया है उनका ही है। अच्छा, अब ये लहसुन डाल, ये लहसुन डाल, अदरक और लहसुन का पेस्ट है दोनों मिक्स है। किशन टमाटर डाल दे, ये किशन टमाटर डाल देगा। अच्छा, टमाटर और दही भी डाल देंगे उसमें। तो ये टमाटर चॉप किया हुआ है, ये एक एक कटोरी से जा रहा है ना? हाँ जी, ओके, सबका एक एक मेजरमेंट हो जाता है तो इक्वल हो जाता है ना। वो उतना फ्रेश निकलता है ना, यानी गरम गरम, उतना उसका टेस्ट अच्छा आता है। ओके, वो एक एक बार पूरा बना के रख दिया तो फिर वो उसका चाव ही निकल जाता है। बिल्कुल सही है। और दोस्तों देखो, ये लाइम वाटर, लेमन जूस इसमें निकाल के अभी थोड़ा थोड़ा डालेंगे ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। दही भी खोल डाल, और हमारे बिरयानी के अंदर पोटैटोस भी आते हैं। हाँ जी, ये अभी ये पोटैटोस डाल रहे हैं। अरे वाह। या तो ये आलू की डिमांड रहती है कि पारसी लोग खाते हैं? पारसी लोग खाते हैं और हमारे सब कस्टमर को पसंद है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि नॉर्मली बिरयानी के अंदर पराठा ऐसा आता नहीं है ज्यादा। हाँ, नहीं आता। पारसी एंड अनदर प्लेसेस कैलकटा, कैलकटा के अंदर भी जो बिरयानी बनती है उधर भी उन लोग पोटैटोस डालते हैं। डाल दे। हाँ, ये अभी दही भी खोल देगा उसमें। तो ये है वो व्हाइट मसाला। हाँ जी, या तो ये मसाला इसमें एक एक चम्मच आप डाल दो। एक एक चम्मच। हाँ जी, ये जीरा जा रहा है ना? हाँ जी। तो ये शाही जीरा है, राइट? या शाही जीरा है। ओके, ये अभी बिरसता है, फ्राइड जो कांदा रहता है, अनियन। ओके, तो फ्राइड अनियन पहले ही फ्राइड डाल पहले। हाँ जी, ना जी। तो चावल का पानी ऑलरेडी हमने वहाँ चढ़ा दिया है। हाँ, तो अभी चावल भीगा हुआ है एक घंटे से। Okay. अभी उसके अंदर डाल देंगे। तो चावल के पानी में आपने खड़े मसाले डाल, खड़े मसाले और नमक, नमक डाल। अच्छा, यहाँ पे हमने नॉन वेज का तो बात किया, वेज में क्या? वेज बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। अच्छा। हम एक ही वेजिटेबल बनाते हैं। हाँ। वेज धनसक बनाते हैं और वेज पुलाव बनाते हैं। धनसक होता है आपका दाल, दाल का? हाँ जी, और उसके साथ राइस के साथ, यानी राइस और दाल वैसा। अच्छा। होता है, दाल राइस के खाना है तो। हाँ, वो वेज में मिल जाता है, वेज करने में। बाकी सब नॉन वेज है? बाकी सब नॉन वेज है। सी, खड़ा नमक इज हेल्दियर, जिसके डले आते हैं ना। हाँ जी, एक बार दिखाइए हाथ में, ये देखो यार, ये क्या बात है। तो ये रेसिपी जो सिखाई गई थी वो ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये मैरिनेट हो गया? हाँ जी। मैरिनेशन कितना देर के लिए करते हैं? ये एटलीस्ट 1 आवर तो भी मैरिनेट होएगा। 1 आवर, चावल, चावल का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, ये राइस रेडी हो गया है, अभी इसको छाना जा रहा है। ये राइस हाफ कुक्ड है, हाफ कुक्ड है। ओके, वो पूरा उसमें हो जाएगा। हाँ, अभी पूरा दम के अंदर हो जाएगा वो, यानी रॉ मटन, रॉ चिकन और हाफ कुक राइस, और फिर उसको दम दीजिए और वो सिगड़ी पे चढ़ जाएगा। अभी उसके सब रेडी हो गए, वो छोटी छोटी सिगड़ी पे एक एक चल जाएगा वो। अच्छा, और बिल्कुल कोयले की मेकिंग होगी। ये देखो यहाँ पे तैयार हो रहा है, बहुत बड़ी सिगड़ी है ये। ओके, तो आज ये अलग जायका होगा जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ट्राई करेंगे आज। अभी इसका पानी डाल देंगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी जाएगा इस तरीके से। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया हमारे अमूल, आ गए अमूल बटर। तो ये पूरा खोल दिया इन्होंने, और अरे वाह, मतलब पूरा पूरा डल जाता है। पूरा पूरा आ गया। एक्चुअली बटर से फ्लेवर आता है ना। मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे पॉल्सन बटर आता था, तभी अमूल, अमूल था भी नहीं। अच्छा, दैट यूज़ टू बी पॉल्सन बटर दैट टाइम। उसके बाद वो बंद हो गई कंपनी और अमूल चालू हो गया। क्या बात है। तो देखो दोस्तों, जिस तरीके से सील कर दिया, जैसे अभी इसके ऊपर फिर ढक्कन आ जाएगा और इसको फिर कोयले पे सिगड़ी पे रख देंगे, और दोनों बाजू अंगार आएगा, ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, ढक्कन के ऊपर दम के लिए ऊपर आता है। तो ये है जी प्रोसेस, ये रख दिया। क्या बात है जी, रहा है, क्योंकि अभी पहले उसको हीट चाहिए। ठीक है, तो एक बार उसको हीट मिल गई, अंदर स्टीम आ गया, तो फिर उसको दम पे लगा दिया, थोड़ा अंगार डाल दिया, वो दम पे होती जाएगी। अच्छा, या एक अंगार डालने वाला है। अच्छा, तो ये ऑल दिस इज गोइंग टू गो अंडर द वेसल नाउ। ओ वाओ, संभाला किशन। बेस्ट प्रोसेस। ये देखो यार। हाँ। ये है प्रोसेस और ये है माहौल। ये देखिए क्या बात है यार, इतना ऑथेंटिक प्रोसेस आपको अभी मैंने पुणे में तो इतना ऑथेंटिक प्रोसेस नहीं देखा। नहीं, और इसमें बहुत तजुर्बा चाहिए कि कब पक रहा है, कब नहीं पक रहा है, तो जल जाएगा। उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अभी इसके ऊपर आ गया, ये दम पे लगा दिया अभी। इज आल्सो 40 इयर्स ऑफ सर्विस। अच्छा, हां, ये हमारा हेड वेटर है। हेलो सर। हाँ, अभी मच्छी इसका देख लो। अच्छा, अभी देखो हम लोग यहाँ पे पात्रानी मच्छी, राइट? हाँ जी, या, टाइल। महाराष्ट्र स्टाइल। ये तो ये स्टीमर पानी है, स्टीम हो रहा है। हाँ। ये देखो पात्रानी मच्छी इसमें है ऑलरेडी। ये देख, खोल के दिखा पहले भिखाजी। तो ये क्या है एक्चुअली, जो मच्छी है। हाँ। उसके अंदर ग्रीन चटनी लगा के पत्ते के अंदर लपट देता है। ओके, जो ग्रीन चटनी आपने बताई की धनिया और उसमें मिंट। हाँ जी, मिंट का ये वाला। या देखो एक एक करके, अभी ये पात्रानी मच्छी, पात्रानी मच्छी इसलिए क्योंकि पत्ते को पात्रा, पत्ते को पात्रा बोलते हैं। इट्स अ पारसी, पारसी थिंग, पात्रा। वाओ, एंड मच्छी तो ऑफ कोर्स, या, और इसको भी ज्यादा नहीं कुक करते, एक स्टीम हो गया तो दैट्स इट। कितनी देर स्टीम होता है? 15 मिनट, ज्यादा में ज्यादा 15 मिनट।
और फिर बहुत सॉफ्ट, एकदम एकदम सॉफ्ट, इनफैक्ट उसको ज्यादा पकाएंगे तो हार्ड हो जाएगा फिश है ना, तो ये अभी स्टीम करते जाएगा वो बस। तो और ये भी स्मॉल क्वांटिटीज में बनाते हैं कि वो फ्रेश फ्रेश बाहर निकलते जाएगा। okay. जैसे मोमोज कैसे बनते हैं, सिमिलर प्रोसेस। ओके, तो अभी हमने तकरीबन इसमें मेरे को लगता है 7-8 डाले हैं। हाँ, नहीं 10 डाल दिए, 10 का बैच होते जाएगा वो। ओके, और कितनी निकल जाती है? अबाउट 100। 100 एक दिन में? संडे को। संडे को 100 बहुत होता है, क्या बात है, बढ़िया। हमने पात्रानी मच्छी देख लिया है ना, दम बिरयानी का प्रोसेस हो गया, हाँ जी, ग्रेवी यहाँ पे बनी ही रहा है ना, कीमा भी हो गया यार। तो हो गया हमारा किचन का सारा प्रोसेस, राइट। हाँ जी, इसके अलावा कुछ बचा है? अभी खाने का है। ये अंदर का प्रोसेस, ये तो किचन का हो गया। अभी भी है पैंट्री आउटसाइड, यहाँ से खाना पूरा भी बाहर आएगा और सर्विस वहाँ से जाएगी, क्योंकि किचन में कोई आएगा नहीं फिर। अच्छा, ओके। तो जैसे खाना तैयार हो गया, तो ये वेंकट है, वेंकट। हेलो वेंकट। हाँ, तो ये अभी हमारा पैंट्री है, ये अभी सेट कर देगा इधर। तो यहाँ भी छोटी छोटी सिगड़ियाँ है। हाँ, ये अभी वेंकट सब अभी अंगर लगा के सब रेडी करके रखेगा वो 10 बजे के तक। हाँ, और वो भी कोयलसे पे रहेगा। तो कोयलसे पे रहेगा, तो यानी भट्टी के पीछे मुझे बैठा थे वो। तो सच में भट्टी में बैठा हूँ। हाँ, ऐसा आजकल कहीं भी नहीं, नहीं किधर भी नहीं है। और एक्चुअली हमारे कस्टमर्स वांट इट, क्योंकि उनको दिखता है, यानी वो आइटम देखेंगे और बोलेंगे वो आइटम हमको दो, वो आइटम हमको दो, ऐसा होता है। अरे वाह। ओके, तो काउंटर के पीछे जो हमने आपको दिखाया था, ये देखो, ये वहाँ लेकर के जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये देखिए, तो दाल। ओके, यहाँ पे कोयले आते हैं, फिर रखा इनको जाता है, और इस तरीके से फिर सारी चीजें यहाँ पे रख दी जाती हैं। तो ये सारा प्रोसेस इस तरीके से होता है। That's my great grandfather, जिन्होंने चालू किया है वो। And that's my father, and that is when he was younger. It is my dad. Oh. He was Mr. Pune in 1956. Yeah. क्या बात है। ये सोराबजी दोराबजी जिन्होंने रेस्टोरेंट चालू किया था वो, okay. वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे। अच्छा। उनके बाद जाल दोराबजी मेरे ग्रैंडफादर थे, और मरजबान दोराबजी मेरे डैड, और उसके बाद मैं। Wow. And I love what I'm doing. So the best part is if you love what you're doing, no, you don't feel only anything. Yeah, that's all. Right. Akuri. Okay. Kima. और ये कीमा है ना, तो ये तो भुर्जी है। ये भुर्जी, हाँ जी, बट इट्स वेरी माइल्ड, एकदम माइल्ड भुर्जी है। okay. कीमा, और ये पाव भी लाएगा। और ये ब्रून मस्का है, इट्स अ हार्ड ब्रेड, हार्ड ब्रेड, राइट। और इसमें बीच में मस्का लगा है ना? हाँ जी। और ये ईरानी चाय, ईरानी चाय, जो कि चाय ईरानी बहुत फेमस होती है, तो आज पी के देखेंगे। तो ये जो है हमने अभी मंगवाया है ना दोस्तों, ये ब्रेकफास्ट है यहाँ का, जो ईरानी लोग अक्सर करते हैं नॉर्मली, राइट जी। ओके, और ये आ गया पाव, बहुत बढ़िया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष, पुणे में हूँ, वापस से आया हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ों ने फिर से खींचा। एक तो यहाँ का मौसम है ना, जो कि बारिशों में, मैंने सुना है कि यही एक जगह है जहाँ बारिशों में लोग जाने की सलाह देते हैं। जो ये पारसी फूड मैंने आज तक नहीं किया था, इसीलिए मैं आज आया हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी इट्स आवर प्रिविलेज दैट आप आए हो। हाई प्रोटीन नाश्ता, हाई प्रोटीन नाश्ता, क्योंकि देखो ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ये है कीमा मसाला। तो ये देख सकते हो आप, बहुत ही सही कंसिस्टेंसी, जैसी पाव के साथ खाने, पाव के साथ खा सकते, सूखा भी नहीं है। हाँ, और ज्यादा रस भी नहीं है, जो पानी निकल जाता है। तो ये ईरानी चाय। हाँ, जो पहले चाय पी के देखता है, घर वाली चाय, नॉर्मल, कोई मसाला नहीं डाला इसमें, दूध, चीनी और पत्ती, दैट्स इट। बहुत सही। उसके साथ में सर्व करते हैं हार्ड वाला ब्रेड, कड़क पाव बोलते हैं उसको, कड़क पाव। तो ये कड़क पाव है, देखो इसके अंदर मस्का है, आप देख सकते हो, ठीक है। टोस्ट से ज्यादा नहीं, इट इज वेरी फ्लेवरफुल, इट इज वेरी फ्लेवर। और पुणे का ब्रून बहुत फेमस है, पाव बहुत सॉफ्ट है, और मुंबई का, पुणे का पाव, महाराष्ट्र का पाव, इस पाव इज ब्रिलियंट। बेकरी प्रोडक्ट्स इन पुणे एंड बॉम्बे आर सुपर। सॉफ्टनेस देखो, आप देख रहे हो, ये है पाव, ये पाव को मैं मिस करता हूँ राजस्थान में, नहीं मिलता है। अच्छा, सुबह सुबह हमारे वहाँ मटन कम चलता है, बट अच्छा यहाँ, और मैं मटन लवर हूँ। हाँ, मुझे भी मटन, मुझे आपका लाल मांस और सफेद मांस बहुत पसंद है। सो देखो, ये है हमारा बाइट, पाव प्लस कीमा, डेडली कॉम्बिनेशन। मसाले का फ्लेवर बहुत सही है। थैंक यू। बाइट लेते ही आपको सबसे पहले है ना, मटन और मसालों का, दोनों का एक खटास लेकर के कीमा, और ये देखो इसमें आपको धनिया दिखेगा, इसमें कीमा के साथ में इसमें अनियन है और मसाले, और ज्यादा ऑयल नहीं है। इफ यू सी, नॉर्मली कीमा एकदम ऑयली आता है ना, दैट्स द थिंग, बट फ्लेवर्स बहुत सही है, बहुत सही। इसका टेस्ट एक्चुअली इसलिए बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि आपने देखा हमारे सामने सब कुछ हुआ, मटन अभी फ्रेश आया, फ्रेशली आते ही बन गया और सर्व भी हो गया। बिल्कुल देर नहीं लगी, सारी चीजें आ गई, इसलिए जो फ्रेशनेस आ रही है ना इसके फ्लेवर में, बहुत सही। अभी एक और चीज है जो कि है, ये अकुरी,
है ना, अकुरी अकुरी, वी कॉल इट अकुरी, पारसी अकुरी, पारसी अकुरी, अकुरी एग्जैक्टली भुर्जी जैसा ही है, लेकिन इसका जो कांदा रहता है वो ज्यादा भुना हुआ नहीं है, हल्का है, हल्का। हमारे वहाँ पे कीमे को कोशिश करते हैं लोग खमीरी के साथ खाने की। अच्छा, खमीर के साथ, वो भी यहाँ सब मोटी रोटी, बहुत डिफरेंट है ना। एक चीज आपने सही बोली थी, घर वाला खाना। हाँ, पर हमारे कस्टमर्स उसके लिए आते हैं, लाइक वी हैव सम सर्टेन कस्टमर्स जो तीन तीन चार चार महीने तक मुझे दिखते नहीं है, फिर सडनली चार पांच दिन कंटिन्यूसली आएंगे, यू नो एवरी डे फॉर लंच दे कम हो गया। तो हमारा उसका स्टैंडिंग जोक है, बीवी मायके गई है एंड दैट्स अ फैक्ट। था सही है, तो बोलते हैं हाँ बराबर, अभी वो आठ दिन के बाद तो आठ दिन में इधर आने वाला है खाने को। अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा और सर से बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ की और क्या स्पेशलिटी है, और इनके पुराने जो 1940 के मेन्यूज देखेंगे और बातें करेंगे। तो आइए चलते हैं। नो दैट इज माय आंटी, आई सेड हेलो मम्मी मजना। चलते ही लोग मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, बट वो कैंप है ना, हमारा कैंप ऐसा ही है। स्ट्रीट वाज ओनली पारसीज एंड क्रिश्चियंस इन दोस डेज। अच्छा, सो नाउ इट्स बिकम वेरी कॉस्मोपॉलिटन। और अभी देखो अंदर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, ये हमारा वॉल ऑफ फेम है। वॉल ऑफ फेम बहुत सही है दोस्तों। देखो मैं आपको बताता हूँ ये जो वॉल है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1940 का मेन्यू कार्ड यहाँ पर है और आप देख सकते हो यहाँ पे अनाज लिखा हुआ है। ठीक है, ये डिशेज हैं और देखो चार आना, दो आना, मतलब कितनी पुरानी बात हो गई है ना। हाँ जी, और अगर आप इधर देखेंगे तो मटन is cheaper. Oh, three anas. Chicken is more expensive. Kya baat hai? Because in those days, mutton aam aadmi khate the. Achha. Aur chicken khali jo paise wale hote the, means it was upmarket jo hota hai, wo chicken khate the. Arre wah, abhi ulta ho gaya. Abhi ulta ho gaya. Abhi mutton ka price kya aur chicken ka kya hai? Kya baat hai? To dekho ye bhi changes dekhne ko mile itne time mein. 50, theek hai? Okay. See you, sir. I am coming from 10 kilometers. On the bike, huh? Ah, wow. My name is Subhash Goregaonkar. Yeah, see oh, now. Wow. Great. You're looking so smart. I am 82 years old. And he's still riding a bike. Wow. Hum pata nahi kar payenge abhi. I don't know. Every time I renew my license, I say this is the last time I'm renewing. I don't think I'll renew it again. Let's see. Anyway, thanks. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So much. Aisa hai yahan pe feel, ha? Wow. To acha yahan pe maine suna kafi jo celebrities hai, wo kyunki ye बहुत पुराना, बहुत पुराना है, है। बहुत लोग जुड़े हुए होंगे। और नहीं, यहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है, सो वी हैव अ कॉलेज वेयर ऑल द स्टार्स आर एक्चुअली बॉर्न, यू नो, सो इट्स अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो वी हैड ऑल द स्टूडेंट्स व्हेन दे वर यंग आल्सो, दे यूज्ड टू ऑल कम हियर। सो वी यूज्ड टू हैव शत्रुघ्न सिन्हा एंड ऑल दीस गाइस वर स्टडिंग हुए, नसरुद्दीन शाह, सो ऑल दीस गाइस यूज्ड टू कम हियर रेगुलरली टू हैव लंच, यू नो, फ्रॉम एट माय डैड्स टाइम। क्या बात है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बाला साहेब ठाकरे, वो भी नीचे खा रहे हैं। हाँ, तभी टेबल एंड चेयर्स, ये जब भी वो जवान थे तभी गए हैं। अच्छा, तो ये यहीं का है, ये यहीं का है, नीचे बैठ के खा रहे हैं, नीचे बैठ के, तभी टेबल और चेयर्स भी नहीं थी, तो तभी सबको ऐसे खिलाते थे, ऐसे ही था। हाँ जी, अरे वो बात लेते हैं, क्या बात है। और उनको ये जगह क्यों पसंद थी? उनका एक्चुअली ऑलमोस्ट जब यहाँ सर्किट हाउस था, तो व्हेनेवर ही वुड कम फॉर हिज मीटिंग्स ओवर हियर, उनका आदमी आके बोलता था ठाकरे साहब की बिरयानी दिया। हाँ, मतलब का है कि कम टिकट कम मसाला करना पाइजे बस। तो दैट्स ऑल। तो जो जैसे बोलने का ठाकरे साहब की बिरयानी, तो हमको मालूम उसको पार्सल कैसे चाहिए। अच्छा। तो वो किधर नहीं खाते थे, और ये एक्चुअली आर्टिकल जब भी वो गुजर गए वो दिन पे पेपर में रिलीज हो गया है। अच्छा। कि वो पुणे में किधर नहीं खाते थे, खाली दोराब जी का खाते थे। अगर बाहर खाना है तो, बाहर खाना है तो। क्या बात है, देखो ये है दोराब जी का पावर और खाने का पावर, टेस्ट का पावर, खाने का, और इट इज गॉड्स ब्लेसिंग। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। ये तो रानी मुखर्जी आई थी, रानी मुखर्जी है, ये मेरी बहन है। अच्छा, ये सिस्टर है। बिकॉज़ आई वाज इन देयर दैट डे, तो मेरी बहन थी तभी। द कपूर फैमिली हैज बीन वेरी रेगुलर विद अस, वेरी वेरी रेगुलर, मींस जब भी उनकी शूटिंग भी इधर होती थी तो केटरिंग वाज डन बाय अस फॉर द एंटायर यूनिट। अच्छा। हाँ, राज कपूर के टाइम से। क्या बात। और शशि कपूर तो इनफैक्ट द लास्ट टाइम ऑल्सो ही केम, ही मेट माई सिस्टर, शी वॉज एट द काउंटर एंड ही केम ऑन अ व्हील चेयर, और व्हील चेयर पे आके वो बोले कि मुझे ये टाइम माफ कर दो, इसके बाद मैं आ नहीं सकेंगे क्योंकि मेरे को अभी मेरी उम्र भी हो गई, तबीयत बराबर नहीं रहती है। तो ही हैड टीयर्स इन दैट, एक्चुअली रोए थे वो मेरी सिस्टर के साथ, और मेरी सिस्टर भी रो रही थी, और दोनों का फोटोग्राफ भी है साथ में। दैट्स द थिंग, दिस इज व्हाट यू लर्न फ्रॉम पीपल, इफ यू वॉन्ट एंटरटेनमेंट यू हैव टू कम टू दोराब जी। और दोराब जी का क्या खाते हैं?
दौराज जी और दौराब जी का सर भी खाता हूँ कभी खिमाया खाता हूँ, कभी कुछ ना कुछ खाता हूँ, और यहाँ से धनसाग लेके जाता हूँ, करी राइस लेके जाता हूँ बस, और आपकी दुआ लेके जाता हूँ। और दुआ दे के जाते थे, फोटो देना ही पड़ता है सबको, सब अच्छे अपने से, तो आप उनको भी अच्छा और दुआ देते रहते बस। हेलो सर। हाय, I'm Arzan Daruwala, and we did for 3 years here, and Daraya stood by me for all 3 years, and then after that, we've only continued a great, great friendship for a long time. It's been over 10 years. His dad is also my friend, and he's also my friend. Yeah, absolutely. Absolutely. My father's favorite place to come and eat, whenever he's in Pune, one trip to Dorabji is for Beja Cutlet, he has to come. Yeah, his Beja Cutlets have come out. Yeah, there, I'm taking this for him, yeah. तो ये है आपका सिंहासन। हाँ जी, बहुत बढ़िया। पर हमारा तुम बिलिंग भी देखेंगे तो मैनुअल है, हमारा केओटी सिस्टम भी मैनुअल है हमने एवरीथिंग जो प्रिमिटिव है ना वो पूरा वैसे ही रखा है, वी हैवन चेंज एनीथिंग, जितना ऑथेंटिक है उतना ट्राई किया है, वी हैवन कंप्यूटराइज, वी हैवन मैकेनाइज एनीथिंग, वी आर स्टिल ऑन द ओरिजिनल प्लेस। ये चीज कहीं और नहीं देखने किधर नहीं आ, ये हमारा तंबोला सिस्टम है। तो अभी नारायण आया है जी, ही इज गोइंग टू बी सर्विंग एंड स्कूपिंग द फूड आउट, दैट इज हिज जॉब। सो सी नाउ, अभी रेडी प्रोडक्ट्स बाहर आ गए। हां, सी नाउ द फिश रेडी हो गई, वो स्टीम हो गई है। वाओ यार, देखो देन द पारसी फूड हैज टू गो विद पारसी कोल्ड ड्रिंक्स, ये आपको खाली पारसी रेस्टोरेंट में ही मिलेगा। ये रास्पबेरी है और आरडीज इज द कंपनी, आडेशर था उसको अभी ब्रांड करके आरडीज किया, ये उसके ग्रैंडफादर का फोटोग्राफ है एक्चुअली, और ये लेमनेड है, और ये लेमन, तो ये चार फ्लेवर है। क्या बात है, पारसी किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो पारसी रेस्टोरेंट और पारसी शादी में जाएंगे तो यही कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, बाकी कोई कोल्ड ड्रिंक मिलेगा नहीं। अरे वाह। तो ये सली गोश है जिसका ग्रेवी रहता है इसमें, इसमें से मटन के साथ में, तो ये मटन पहले डाल दिया, मटन पीसेस, और ये रस्सा इसके ऊपर है ना, एंड ओके ये सली ऐड करनी है इसको। अच्छा, ओके, ये हो गया सली गोश, ये चपाती के साथ खाते बेटर रहेंगे सर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष, और तो ये एक पारसी रेस्टोरेंट है जहाँ पर पारसी लोग जिस तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं, हमने आपको ब्रेकफास्ट तो दिखाया कि वो किस तरह का था। ये रेस्टोरेंट 148 इयर्स ओल्ड है। अब मैं आपको इसकी प्रिपरेशन दिखाता हूँ, देखो ये पत्ते पे पूरा, देखो किस तरह से इसको अभी मैं खोलता हूँ, पूरा जो पत्ता है ना ये पूरा स्टीम होके गल गया है, और ये जो है अब इसके अंदर देखो ये पूरी एक फिश है, सी द फिश, वाओ ये देखो। अच्छा, मैं तो इसको उठा रहा था बट इसकी पूंछ हाथ में आ गई देखो कितना अच्छे से पका हुआ है, कितना सॉफ्ट है, देखो ये देखो, हाय हाय, जो पत्ता है ना, पत्ते के फ्लेवर्स भी आ गए हैं इसके जो है मीट में, स्टीम किया जाता है इसमें पुदीना और धनिया में, एक पहले ये बनाई जाती है, ठीक है, फिर ये चटनी इसके ऊपर लगाकर, और फिर देखो ये देखो, और मैं इसको आपको ऐसे उठा के दिखाता हूँ, देखो ये पूरी फिश है, ये देखो ये है पूरी फिश, और ये इतनी सॉफ्ट है ना, ओ ये देखो सी, ये कांटे वाली है ना, ये बिना कांटे वाली नहीं है, तो ये खा करके देखते हैं, बहुत सही यार, बहुत सही सी। तो ये देखो फिश का एक और अपन जायका लेकर के देखते हैं, ये मैंने फिश यहाँ से लिया, ठीक है, ये देखो, और ये जो मसाला है ना इसको अपन लगाते हैं इसके ऊपर, ये देखो ये है मसाला और फिश, एक बाइट लेकर के देखते हैं अब। ये मसाला जो है ना ये थोड़ा स्वीटनेस के साथ है, बहुत सही, ये देखो बहुत बढ़िया यार। तो ये है पात्रानी फिश, ये इस स्टाइल से बनाते हैं, पारसी लोग ही बनाते हैं, इसीलिए ये पारसी स्पेशल है, और ये आपको दोराबजी एंड सन्स में ही मिलेगी, हालांकि नॉर्मल डेज पे ये आपको सिर्फ संडे को मिलती है। तो एक जायका तो ये है इनका, ठीक है, पात्रानी फिश। आइए सर, डिफरेंट है, तो डोरेस सर को मैंने पास में ही बिठा लिया क्योंकि मुझे लगता है मैं कोई गलती ना कर दूं, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम कि मैं कोई पारसी खाने में गलत हो ही नहीं सकते आप। हाँ, अच्छा तो देखो सेकंड डिश है ये मटन धानसक तो ये एक्चुअली जो प्रिपरेशन है ना वो है, इसमें सारी मिक्स दालें होती है, ऑल द मिक्स दाल्स
ऑल द पॉसिबल वेजिटेबल्स वी कैन ऐड सीजनल वेजिटेबल्स मटन पीसेज हैं और छोटे छोटे हैं और अब इसको रोटी के साथ लेते हैं या नो विद द राइस विद द राइस सो दिस इज द कैरमल राइस उसके साथ आता है ओके देखो इसलिए बुला लिया था मैंने आपको अभी मेरे से गलती हो जाती है राजस्थानी आदमी क्या पहले रोटी पहले चपाती खाता है चपाती की आइटम वो है वो जो सली गोश है वो चपाती के साथ ओके तो देखो ये एक मटन पीस है ना तो ये मैं इसके ऊपर रख देता हूँ पहले और क्या लेट मी यू नो पहले दैट्स द बेस्ट वे टू ईट इट ओके खा करके देखते हैं अच्छी बात तो ये कि मेरे को लगा बाइट करना पड़ेगा बट वो बहुत ईजीली आ गया है ना तो मटन बहुत सही पका हुआ है आप देखो मीट के जो साइजेस है ना देख सकते हो छोटे छोटे हैं इजीली खा सकते हो और जल्दी पक जाते हैं छोटे साइजेस देखो दो बाइट में ख़त्म हो गया मामला ठीक है तो बहुत बढ़िया अच्छा अभी देखो ये जो कंसिस्टेंसी है ना इसकी ये देख सकते हो आप और हमारी इस पर डालते हैं ये हो गया एक कॉम्बिनेशन ठीक है जो कि ज़्यादातर चलता है यहाँ ज़्यादातर और एक ये फारसी कॉम्बिनेशन है दिस इज माई बाइट सी इट्स अ डिफरेंट ब्लेंड नो टोटली डिफरेंट टेस्ट यार बहुत अलग थोड़ी सी मिठास महसूस हुई ओ राइस के अंदर बिकॉज़ द राइस इज विद कैरमेल ओ या इट इज कैरमेल राइस बट ऑल द पारसी फूड हैज अ लिटिल स्वीटेंड टेस्ट अच्छा या ऑल द पारसी गुड अलग जायका है लेकिन ऐसा जायका जो आप रिपीट हो सकते हो जिसके लिए बहुत बढ़िया देखो किसी को अगर भूख लगी हो ना लंच टाइम हुआ हो यहाँ आ जाओ ये दो चीज़ें ऑर्डर करो खाओ आपका पेट भी भर जाएगा और मन भी और ये एरिया क्या है पुणे कैंप या कैंटोनमेंट एरिया बोलते हो ओके तो यहाँ से आसपास कोई लैंडमार्क पुणे स्टेशन दैट्स द क्लोजेस्ट पुणे स्टेशन या तो स्टेशन कितनी दूर है यहाँ से 5 मिनट की तो पुणे रेलवे स्टेशन के पास में ही है बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी मिल जाएगी गूगल लोकेशन भी और मैं सर का नंबर भी दे दूँगा सो यू जस्ट कॉल हिम अप और आप आ सकते हो अभी सली गोश ट्राई करो सली गोश ये वाला That okay. goes with chapati. को बोला जाता है सली गोश अब सली गोश क्या है एक बार सर बताइए See, sali is the fine potato straws that you see on it. उसको sali बोलते हो It's okay. like a potato straw. Okay. And the gosh is with gravy. तो ये सली गोश है ना तो गोश ग्रेवी ग्रेवी वाला मटन को गार्निश किया है सली से और वो साथ में खाते हो ये देखो ये तो गोश्त है ग्रेवी अंदर ये सली ऊपर से डल गया तो ये क्या कॉम्बिनेशन ये लोग क्यों खाते हैं ऐसा ये टिपिकली पारसी डिश है अच्छा टिपिकली पारसी इन द सेंस ये बाकी कोई भी इसके अंदर सली गोश आपको मिलेगा नहीं क्योंकि पारसी डिश दैट इज देयर एंड इट गिव्स द क्रिस्पीनेस द सली इज वेरी क्रिस्पी तो व्हेन यू ईट इट यू हैव द क्रंच एंड यू हैव द माइल्ड ग्रेवी विद इट वाओ तो सी दिस इज माय बाइट ऊपर सली मिक्स इट अप आगे देखते हैं वो जो स्मोकी फ्लेवर है ना वो सब में वो सब में क्यों सब कोल से पे राइट सारा फील आ रहा है प्रॉपर और अच्छा लग रहा है और ये मेरे को नहीं पता रोटी के साथ क्यों खाते हैं बट ये ऐसे भी खा सकते हैं ये जो सारा खाना है ना ये पूरा ट्रेडिशनल पारसी फूड है जिसको आपको एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए चाहे आप खाते हो या आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो या नहीं किया हो बट एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए तो दोस्तों देखो एक और चीज़ अभी ये पूरा खाना खाने के बाद सारी डिशेस दिखाने के बाद एक मैंने अभी बिरयानी मंगवाई है जो कि आपने पूरी मेकिंग देखी थी किस तरह से कोयले पे सिगड़ी पे इसकी मेकिंग हुई थी दम बिरयानी है ये रंगत आप देख सकते हो और जब ये आया ना तो जो ये स्मोक है ना स्मोकी बहुत सही है राइट और इसको लेते हैं It's nice, no? It has its own flavor. बीच में वो आलू भी आ गया आया वो आलू डाला था आपने देखा था ना क्योंकि वो बहुत अच्छे से उबल गया है दम बिरयानी में जब मटन पक गया है तो वो तो बहुत ही और वो मसाले सब खींच लेता है मसाले खींच लेता है अब जो लास्ट जो मीठा बचा है वो ट्राई करते हैं और उसका जायका आपको बताता है तो देखो ये है पारसी लगन्नू कस्टर्ड पारसी लगन्नू कस्टर्ड अच्छा लगन मतलब शादी लगन शादी है ना सो इन ऑल द पारसी वेडिंग वी हैव दिस एज अ स्वीट डिश लाइक अ लगन्नू कस्टर्ड इज अ मस्ट ओके सो इट इज लाइक अ ये स्पेशली पारसी डिश है राइट तो ये पारसी लगन्नू कस्टर्ड है जो कि यू सेड इट राइट तो ये बनता कैसे ये एक्चुअली मिल्क को लबड़ी के ये सब
ये करते हैं, कुक करते हैं, जब भी कंसिस्टेंसी एकदम आ जाता है तो उसको ठंडा करके शुगर डाल के अंडे फेंट देते हैं उसके अंदर. अच्छा. एंड देन वी बेक इट इन अ वुडन फायर, वुड फायर ओवन, तो लकड़े के भट्टी के अंदर उसको फिर बेक करते हैं, तो स्मोकी फ्लेवर और ये ऊपर कैरमलाइज आता है. बिल्कुल, ये शुगर का ऊपर कोटिंग आ गया है. अरे वाह, क्या सॉफ्ट है यार. सी, लेट्स ट्राई. इट्स वेरी नाइस. And it has jai. Bye. Thank you. Thank you. Bye, thank you to you. Cutlet is as it is since thank I've been coming from school. Thank you. Thank you. Bye. Bye. तो अगर आप लोग भी कभी पुणे आते हो एक बार यहाँ आना और एक बार टेस्ट करके देखना, क्योंकि देखो हर किसी का टेस्ट अलग होता है. मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया. आप लोग आकर के एक्सपीरियंस करके देखिए, आप लोगों को भी पसंद आएगा. और सबसे अच्छा कि यहाँ का फील और जो आपका इंटरेक्शन रहता है ना लोगों के साथ, इट्स लाइक अ होम, इट्स एक्चुअली लाइक अ होम. तो ये था पारसी जायका, अच्छा लगा मुझे. और आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ. अब थैंक यू, मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी और नई जगह और किसी और नए जायके के साथ. टिल देन बी हैप्पी.